नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए तो आज का टॉपिक जान लेते हैं। आज का टॉपिक है स्टारलिंक प्रोग्राम। स्टारलिंक प्रोग्राम क्यों चर्चा में था? क्योंकि हाल ही में एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म स्टारलिंक की सैटेलाइट से हिट किया है, जिसकी वजह से एक दिन पहले ही भेजी गई 49 में से 40 सैटेलाइट्स माल फंक्शन कर गई या अपने ऑर्बिट से हट गई। उसमें एक क्लेम किया जा रहा कि एक यूट्यूबर ने ये फोटोज़ ली हैं, और जो आप यहाँ पे रोशनी देख सकते हैं, ये रोशनी को ये क्लेम किया जा रहा है कि ये स्टारलिंक की ही सैटेलाइट्स हैं। अर्थात जब वो टूटने के बाद दिखी तो कुछ इस तरीके से दिखी जैसे कि लाइट्स आ रही हो, और इसको ये कहा जा रहा है कि स्टारलिंक की ही सैटेलाइट्स हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को अगर हम देखें, इसके लिए कई अन्य टर्म भी यूज होते हैं, जैसे कि सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर। ये होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह सूरज की आउटर सरफेस है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वह पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर पे डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और उसी का कारण है कि स्पेस में जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स थी वो ब्रेक कर गई, और उसकी वजह से 49 में से 40 सैटेलाइट्स बर्बाद हो गई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्टारलिंक प्रोग्राम है क्या। स्टारलिंक प्रोग्राम US की एक निजी कंपनी SpaceX के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके मालिक एलन मस्क हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि लगभग 30,000 सैटेलाइट्स को वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में रखेंगे। किस तरीके से, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नेटवर्क बना है अर्थ के चारों, और ये जो डॉट आप देख सकते हैं ये डॉट ही सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि ये 30,000 सैटेलाइट्स हैं। और इसके द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, वह यह करना चाहते हैं कि एक हाई स्पीड और लो लेटेंसी कनेक्शन प्रदान करना चाहते हैं एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और जब बात होती है एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि US के बाहर भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तक एक्सेस होगी। चलिए अब यहाँ पे हमारे जानने की दो चीज़ें, पहली लो लेटेंसी एंड सेकेंड हाई स्पीड। तो यहाँ हाई स्पीड से क्या मतलब है, हाई स्पीड से यहाँ मतलब है 10 GBPS तक की स्पीड प्रदान करेगा, था जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी 10 GBPS। लो लेटेंसी क्या का मतलब है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेटेंसी क्या होती है। लेटेंसी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कमांड देते हैं और वह कितनी चीज़ में उस कमांड का रिजल्ट देती है, इसे बोलते हैं लेटेंसी। तो जब आपको लोड लेटेंसी होगी तो उससे होगा क्या, मान लीजिए आप कोई वीडियो सर्च करते हैं और जैसे ही आप सर्च करेंगे तत्काल उसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, इसे बोलते हैं लोड लेटेंसी। तो स्टारलिंक का यही उद्देश्य है कि वह लो लेटेंसी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना चाहता है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टारलिंक का इंडिया में एक्सेस है या नहीं। तो कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एडवाइजरी निकाली थी कि भारत के नागरिक स्टारलिंक का कनेक्शन को सब्सक्राइब ना करें। उसका कारण क्या था, क्योंकि इस वेंचर को इंडिया में लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक, और जब तक वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक भारत में इसकी एक्सेस नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि स्टारलिंक की एक्सेस भारत में अभी नहीं है और भारत के लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते। और जो लोग ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर चुके थे, स्टारलिंक ने कहा है कि वह बहुत जल्दी उनके पैसे रिटर्न भी कर देंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्टारलिंक से क्या कोई थ्रेट्स भी हैं। तो दुनिया के विभिन्न वैज्ञानिकों और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इससे संबंधित कुछ थ्रेट्स भी बताए। उसमें सबसे पहला हो जाता है कॉजिंग कॉलिजन थ्रेट्स। कॉलिजन थ्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब इतनी सारी, कितनी 30,000, जब 30,000 सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगी तो ऐसी संभावना है कि वह दूसरी सैटेलाइट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, कुछ दिन पहले ही चाइना ने कहा था कि उसके स्पेस स्टेशन को उसको अपनी जगह से हटाना पड़ा क्योंकि स्टारलिंक की सैटेलाइट्स उससे भिड़ सकती थी। और क्या होगा अगर वो भिड़ जाएंगी, ये कॉलिजन उसके स्पेस स्टेशन को डैमेज कर सकता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या बताई थी, इसके लिए चाइना ने इस पर लगातार वो स्टारलिंक पर अटैक करता भी रहा है। अगर हम दूसरी बात करें तो है स्क्रीइंग ऑफ द क्लाइमेट। इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट पे भी इसकी सैटेलाइट का फर्क पड़ सकता है। और फर्क कैसे पड़ेगा, जब इतनी सारी सैटेलाइट्स होंगी तो उनसे लाइट भी आएगी, तो इसमें पॉल्यूशन कौन सा होगा, इसमें पॉल्यूशन होगा लाइट पॉल्यूशन। इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं कि देखिए ये आपको ऐसा लगेगा कि आसमान में तारे दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तारे नहीं होंगे, ये सैटेलाइट्स होंगे। और ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 30,000 सैटेलाइट्स बहुत पास पास होंगे और जब आप ऊपर देखेंगे तो उसकी लाइट आपको हर जगह दिखेगी, इसको ही बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन। तो
इसके लिए भी कई सारे वैज्ञानिकों ने चेताया है कि स्टारलिंक का यह प्रोग्राम लाइट पॉल्यूशन का भी एक कारण बन सकता है। चलिए तो अब अगले थ्रेट के बारे में बात करते हैं। यह थ्रेट है स्पॉइलिंग द नाइट स्काई। मान लीजिए आपका तारे देखने का मन है, लेकिन जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको इस तरीके से लाइट्स दिखती हैं, और ये लाइट्स तारे नहीं हैं, ये स्टारलिंक ही सैटेलाइट हैं जो आपको लगातार दिख रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए भी कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये चीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएगी, इसमें साइंटिफिक ना हो कि एक मोरल और सोशल इशू बताया है। तो इस तरीके से ये इसका अगला थ्रेट हो जाता है। अगर हम लास्ट थ्रेट की बात करें तो वह हो जाता है इंटरफेयरिंग विद द एस्ट्रोनॉमी। इंटरफेयरिंग विद द एस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब है कि जो वैज्ञानिक होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो होते हैं, वो एस्ट्रॉइड को देखने के लिए आसमान की ओर देखेंगे, और जब वो आसमान की ओर देख रहे होंगे तो उनको एस्ट्रॉइड की जगह सैटेलाइट से हर जगह देखेंगे, क्योंकि ये लगातार मूव कर रही होंगी, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एस्ट्रॉइड को पहचान ही ना पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो 40 सैटेलाइट्स अभी माल फंक्शन की हैं, इसका कोई इमीडिएट थ्रेट भी है क्या? तो स्टारलिंक ने कहा है कि उसने अपनी सारी सैटेलाइट्स एक ऐसी मटेरियल से बनाई है कि जब वह रीएंट्री करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वह पहले ही जल जाएंगे। आप इसके लिए इस इमेज पर ध्यान दें कि जब भी कोई सैटेलाइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वह फ्रिक्शन की वजह से जल जाती है, और वह जल के धरती पर आने की जगह एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार इसका कोई भी अभी इमीडिएट थ्रेट नहीं है इस सैटेलाइट डैमेज होने का, ना ही इसका कोई अभी तक किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कोई थ्रेट बताया है। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि इससे अभी कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं होगा। चलिए तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार स्टारलिंक काम करता है और कैसे उसकी सैटेलाइट्स हाल ही में एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।